हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है जेस्चर नेविगेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये जेस्चर नेविगेशन सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिस्टम के अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा जेस्चर नेविगेशन। ठीक है, जेस्चर नेविगेशन के सामने एक सर्कल दे रखा है, सर्कल को आप टैप करेंगे तो ये सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं सेटिंग को इनेबल करूंगा ना तो मेरे मोबाइल फोन के सबसे नीचे जो तीन बटन है ना ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये सेटिंग जो है इनेबल हो चुकी है और ये तीन बटन मेरे मोबाइल फोन के गायब हो गए। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना अपने मोबाइल फोन को ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, ठीक है, इसमें आपको जो ना ऊपर से लेकर नीचे तक में लेफ्ट साइड में कहीं से भी आपको जो ना इस तरीके से उंगली को किनारे से ऐसे लाना है खींचते हुए। ठीक है, खींचते हुए लाना है तो आपका जो है ना इस तरीके से उंगली को छोड़ देना है, फिर तो आपका मोबाइल फोन बैक पेज पे चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है ना राइट साइड से भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। मोबाइल फोन का जो राइट साइड होता है ना, इस तरीके से आप उंगली को किनारे से लाइए तो आपका फोन बैक पेज पे फिर भी चला जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर अपने फोन को ओवरव्यू करना है तो आपको मोबाइल फोन के सबसे नीचे से आपको इस तरीके से बीचों बीच से ऊपर लाना है तो आपका फोन जो है ना इस तरीके से ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना कुछ इस तरीके से काम करती है आपकी जेस्चर नेविगेशन सेटिंग। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप जेस्चर नेविगेशन सेटिंग को ना अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम नेविगेशन। ठीक है, सिस्टम नेविगेशन आप यहाँ पे टाइप कीजिए इस तरीके से तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। इस सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अगले पेज में आपको जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।